राजस्थान से बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान में 35 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। पीड़िता का नाम सुमन था। वैसे तो वो राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी की कार्यकर्ता भी थी। रमेश बेनीवाल पूरी रात अपनी पत्नी की डेड बॉडी के साथ बैठा रहा और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। जब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची नहीं तब तक। पुलिस ने कहा कि घटने की रात को पति पत्नी के बीच में कोई नोकझोंक हो गई थी और उसमें रमेश को गुस्सा आ गया तो उसने सुमन पर वार कर दिया। बेनीवाल ने कबूल किया कि उसने उसकी पत्नी की हत्या कर दी है और उसके बाद उसने ये भी कहा कि उसने उसकी पत्नी की भाई को फोन भी किया था और ये सारी बातें उसने उसे बताई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा और वो अंदर घुसी और देखा कि रमेश उसकी पत्नी की बॉडी के साथ बैठा हुआ था। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने वो पत्थर भी बरामद कर लिया जिससे उसने उसकी पत्नी की हत्या कर ली थी। पुलिस ने कहा कि आगे की कार्रवाई जारी है।